तो फ्रेंड्स, आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें वोकैब 24 ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे एडिटोरियल, कई सारे वीडियोस आपको डेली पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेली के जो 10 वर्ड हैं वो आपको ट्रिक्स के साथ में यहाँ पे डेली मिलते हैं, जिनकी आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में अपना स्कोर भी देख सकते हैं। इसके अलावा वोकैब प्राइम की बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रामर वीडियोज, ए टू जेड वोकैबुलरी वीडियोज, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर के पेपर, ईडियम फ्रेसेस, रूट वर्ड्स, 800 से ज़्यादा टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। ए टू जेड वोकैबलरी में 3000 से ज़्यादा वोकैबलरीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। ग्रामर वीडियोस में आपको कई सारे ग्रामर के वीडियोस मिलते हैं जो कि आपके कंप्लीट ग्रामर को कर देंगे, इंग्लिश, हिंदी और कंसेप्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज ही ज्वाइन करें वोकैब 24 प्राइम 999 में 1 साल के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी की वो क्या क्लास के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको काफी बेनिफिट हो रहा होगा इन क्लासेस से, और जैसे कि आप डेली अगर ये 15 मिनट की क्लास करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी सेक्शन बहुत इंप्रूव हो गया है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज, आपके एग्जाम हर जगह पर बहुत काम आने वाला है। हमेशा की तरह 10 वर्ड आज भी कोरिलेट करेंगे 10 हिंदी सिंपल वर्ड के साथ में और उनको इजिली याद कर लेंगे। चलिए गाइज, आज की जो वोकैबुलरी है वो भी कौन से है, द हिंदू के ही है। और पहला वर्ड देखते हैं अनोनिमिटी। अनोनिमिटी क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुमनामी या फिर नाम को गुप्त रखना। तो अगर किसी के नाम के बारे में नहीं पता है या आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनोनिमिटी कहेंगे। अनोनिमस के नाम आपने सुना होगा। अनोनिमस तो बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। अनोनिमस का मतलब होता है जो बेनाम होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता है। तो अनोनिमिटी भी उसी से निकला हुआ वर्ड है। ऑब्लिवियन भी अच्छा वर्ड है, पेपर में कई बार आता है। और सिनोनिम एंटोनिम तो सारे आसान है। एग्जाम्पल, द पुलिस हैव रीअश्योर्ड विटनेस दैट दे वर बी गारंटेड अनोनिमिटी। पुलिस ने अश्योरेंस दी किसको? विटनेस को। गारंटी दी कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। अब देखिए ट्रिक, अनॉय कर रहा है ये अनोनिमस आदमी। तो अगर ये लड़की क्या बोल रही है, ठीक है, कि अनॉय कर रहा है ये अनोनिमस आदमी, यानी कि अनॉय यानी कि इरिटेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जान ना पहचान उसके बाद में भी टिका के इरिटेट करते हैं मतलब आपको, ओके। तो उस टाइम पे अपन क्या बोल सकते हैं कि अनॉय कर रहा है ये अनोनिमस आदमी, यानी कि जिसके अपने को नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसके बाद में भी अगर कोई बिन सिर पैर की कोई बातें कर रहा है बिन बात ही, तो वो अनॉय कर रहा है। तो अनॉय को हम क्या कर सकते हैं? अनोनिमस से कोरिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अनोनिमस बोल लीजिए, अनोनिमिटी बोल लीजिए, एक ही बात है दोनों का। मतलब क्या हुआ? जिसका कोई नाम नहीं होता है, जो गुप्त नाम होता है जिसका, उसको कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, वह है अनरिक्वेटेड। अनरिक्वेटेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक तरफा। तो अगर कोई एक तरफा आपकी फीलिंग है किसी को लेकर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनरिक्वेटेड कहेंगे। अनरेसिप्रोकल, अनआंसर्ड, अनरिटर्न, अनअक्नॉलेज, ये सब तो सिंपल से वर्ड है। एग्जाम्पल, ही हैज एन अनरिक्वेटेड लव फॉर ए मैरिड वुमेन। अच्छा, ओके, तो एक मैरिड वुमेन को लेकर उनका प्यार एक तरफा है, ओके, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, ओके। अब देखिए ट्रिक, लव दोनों तरफ रिक्वायर्ड होना चाहिए, अनरिक्वेटेड नहीं। तो सिंपल सी बात है, लव क्या होना चाहिए? दोनों तरफ रिक्वायर्ड होना चाहिए, अनरिक्वेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक तरफा नहीं होना चाहिए, ओके। आपके जीवन में ऐसा कई बार हुआ होगा, वन तरफा, एक तरफा, ठीक है, अनरिक्वेटेड हुआ होगा, लेकिन ओके, वो चीज़ क्या होती है? बड़ी टेम्प्रेरी होती है, वो उसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। तो लव दोनों तरफ रिक्वायर्ड होना चाहिए, अनरिक्वेटेड नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से अनरिक्वेटेड को कोलरेट करके रिक्वायर्ड से आसानी से याद कर सकते हैं। हैदलेश मुश्किल मूवी देखी होगी आपने, इसमें इसका अनरिक्वेटेड इतना ज़्यादा था कि पूरी 3 घंटे की पिक्चर इसी पे निकल गई थी, ओके, और बड़ी खतरनाक फ्लॉप भी हुई थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है? कि विनाश करना या फिर नष्ट करना। तो किसी भी चीज़ को खत्म कर देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्मिनेट करना या फिर उसको एंड कर देना, समझ गए। और एक्सट्रीपेट भी अच्छा वर्ड है, एनिहिलेट अच्छा वर्ड है, एंटोनिम्स तो आसान है ही सारे के सारे। एग्जाम्पल, वंस कॉकरोचेस गेट इनटू अ बिल्डिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटर्मिनेट देम। कॉकरोच एक बार बिल्डिंग में घुस गए तो उनको निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। ट्रिक देखिए, टर्मिनेट कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया तो इसका मतलब एक्सटर्मिनेट कर दिया। आपको पता है कि बेचारे बीटेक की करने के बाद में इंजीनियर बड़ी मुश्किलों से धक्के खाते खाते कोई जॉब मिलती है, उसके बाद में भी अगर कोई टर्मिनेट कर दे तो उनके साथ तो ऐसा होता है कि एक्सटर्मिनेट ही हो जाते हैं मतलब वो जीवन से ही, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? टर्मिनेट को एक्सटर्मिनेट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो।
एक्सटर्मिनेट और टर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब है विनाश करना, नष्ट करना। अगला है यॉक। यॉक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को जोड़ देना, ठीक है, किसी को किसी चीज से बांध लेने को हम बोलते हैं यॉक करना, कपल करना, लिंक करना, टाई करना। एंटोनिम्स तो आसान है, एग्जांपल टू ऑक्सन यॉक टू है प्लॉग्ड वॉक्ड वेयरली अप एंड डाउन द फील्ड। दो ऑक्सन यॉक को क्या कर दिया गया, प्लॉग करने के लिए आपस में बांध दिया गया। अब देखिए ट्रिक, याक को यॉक किया, तो अगर याक है और इसको किसी चीज से बांध देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, वो यॉक हो जाएगा। ओके, तो याक को आप क्या कर सकते हो, यॉक से कोरिलेट करके आप इसको आसान से याद कर सकते हो कि याक को क्या किया, यॉक किया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको आसान से याद कर सकते हैं, याक को क्या किया, यॉक किया, यानी कि उसको क्या किया, किसी चीज से जोड़ दिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि है अल्टर। अल्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि आपने कई बार देखी होगी ना, एक कोई ऐसा होता है ना कि भगवान के सामने एक रैक रखी बनी हुई होती है, उस रैक के ऊपर जो सामान रखते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टर कहते हैं। टेबल जिस पर भगवान पर चढ़ने वाली सामग्रियां रखी जाती है, टेबल टाइप ऑफ टेबल यूज इन सेरेमनीज इन क्रिश्चियन चर्च और इन अदर रिलीजियस बिल्डिंग। तो ऐसा होता है ना कि ये देखिए यहाँ पे भगवान के सामने रैक रखी है, इसके ऊपर कोई सामान रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टर पे उसको हम कहते हैं, सैंक्टम भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। चैसल हो गया, एग्जाम्पल द हाई अल्टर एट द, ठीक है, कहाँ पे, कैथेड्रल। हाई अल्टर है कहाँ पे, कैथेड्रल के अंदर। देखिए ट्रिक कि सलमान अल्टर कर दिया, सामान अल्टर कर दिया अल्टर करके। तो आपको पता ना कि पीके मूवी आपने देखी होगी ना कि चर्च के अंदर क्या होता है कि सामान जो है ना यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। क्या किस पे रख दिया, अल्टर पे ऊपर, यानी कि जहां पे जो चीज रखनी थी उसको बदल के अगर आप कोई दूसरी चीज रख दोगे तो क्या बोलेंगे कि आपने सामान को अल्टर कर दिया। इसका मतलब तो होता है बदलना, कहां पे बदल दिया, अल्टर के ऊपर बदल दिया, ठीक है, कहां पे, जहां पे कोई दूसरा सामान रखा जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सामान को अल्टर कर दिया, अल्टर करके, अल्टर पे यानी कि जिस चीज पे टेबल पे और कुछ रखा जाता है उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अल्टर करने को आप अल्टर से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखी होगी ना मूवी चर्च के अंदर तो अगरबत्ती, ठीक है, और मॉस्क्यू जो अपना मस्जिद है वहां पे वो दारू की बॉटल, मतलब शैंपेन, और इस तरीके से मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सब्सटैंशियली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है काफी हद तक, टू अ ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। सिनोनिम एंटोनिम्स आसान है, एग्जाम्पल ही चेक द डिटेल्स एंड फाउंड देम सब्सटैंशियली करेक्ट। उसने डिटेल को चेक करी और बहुत ही काफी हद तक सही पाया, ठीक। देखिए सब वोकैब क्लासेस में सब्सटैंशियली सीखते हैं, तो आपको पता है कि सभी वोकैब क्लासेस में क्या होता है, सब्सटैंशियली सीखते हैं। तो मैं ये जो सब है ना उसको सब्सटैंशियली से कोरिलेट करके याद कर रहा हूँ। आपको पता है कि जितने भी बच्चे अपने वोकैबुलरी क्लास देखते हैं वो सब्सटैंशियली वोकैब सीखते हैं, यानी कि काफी हद तक जो वोकैबुलरी आप इस क्लास में सीख लेते हो 15 मिनट में। ओके, तो सबको आप क्या कर सकते हो, सब्सटैंशियली से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सिमैटिक। सिमैटिक एक एडवर्ब है जिसका मतलब, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। तो जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज से रिलेटेड पता होती है, ठीक है, अर्थ संबंधित कोई लैंग्वेज से रिलेटेड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमैंटिक कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक बोल लीजिए जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, इसके अलावा तो बाकी सब आसान है, ये तो आते भी नहीं है पेपर के अंदर ऐसे वर्ड। तो सिंटैटिक फिर भी अच्छा वर्ड है। एंटोनिम्स आसान है, एग्जांपल ओनली कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड द सिमेंटिक्स बिहाइंड द लाइन ऑफ कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम ही समझ सकता है जो लैंग्वेज होती है लाइन ऑफ कोड के पीछे, ठीक। देखिए इन मैन के को बहुत सिमेंटिक लैंग्वेज है, इन मैन को क्या बहुत ज्यादा सिमेंटिक नॉलेज है। कौन सी नॉलेज, लैंग्वेज की नॉलेज है, लैंग्वेज से संबंधित। देखो हेलो, ठीक है, बॉन्जोर, होला, इस तरीके से सारी इनको लैंग्वेज आती है। तो अगर ऐसे पर्सन जिसको काफी लैंग्वेज का ज्ञान है हम उसको बोल सकते हैं सिमेंटिक पर्सन, सिमेंटिक। तो इस मैन को बहुत सिमेंटिक नॉलेज है, यानी कि लैंग्वेजेस की बड़ी नॉलेज है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैन को सिमेंटिक से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है इनोक्यूस। इनोक्यूस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जो नुकसान ना पहुंचाए। इनोक्यूस पहले भी हमने कई बार रिलेट किया है, इनोक्यूस और इनोक्यूस दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों आपके लिए, तीनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिनाइन भी इंपॉर्टेंट है। नॉक्शियस हुआ, पर्निशियस हुआ, बेनफुल हुआ, ये तीनों भी अच्छे वर्ड है, तीनों का मतलब है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इनोक्यूस और नॉक्शियस इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। एग्जाम्पल इन द रिंग द रेसलर अपीयर्ड डेंजरस बट इन द रियलिटी वॉज रियली इनोक्यूस।
रेसलर रिंग के अंदर तो बड़ा डेंजरस लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते है। सही बात है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि रेसलर रोड पे चलते चलते ही किसी को उठा के पटक दिया, चलती रोड के ऊपर ही चौक स्लैम लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अंडरटेकर रोड के ऊपर चलते चलते किसी को पकड़ के ये लो भाई धम नीचे पटक दिया, ऐसा नहीं करते, वो काफी फ्रेंडली होता है, ठीक। देखिए इनको इन रखो, ये इनोक्यूस है। तो आपको पता है जितने भी डॉग होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते अंटिल और अनलेस अगर आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तो इनको इन रखो, अभी चाहे बारिश हो चाहे कोई भी हो, अगर आप इनको इन घर के अंदर रख रहे हो तो रख सकते हो, क्योंकि ये इनोक्यूस है, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको इन रखो, ये इनोक्यूस है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनोक्यूस से कोलरेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वो है डिसेमिनेशन, एक नाउन है। डिसेमिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना, काफी इंफॉर्मेशन को कोने कोने तक फैलाना। सिनोनिम एंटोनिम तो आसान है ही, एग्जाम्पल है ही प्रमोटेड द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, उसने प्रमोट किया, फैलाया साइंटिफिक आइडियाज को। अब देखिए ट्रिक, सेमिनार के बारे में डिसेमिनेशन किया, तो देखिए आपको पता है कि एक बार दिल्ली मीटअप हुआ था वाई फाई स्टडी का, एक बार लखनऊ में मीटअप हुआ था, तो लोगों ने जो स्टूडेंट है आप सभी लोगों ने काफी उसको शेयर किया था बच्चों के साथ में, काफी लोग आए भी थे। तो सेमिनार के बारे में लोगों ने क्या किया था, डिसेमिनेशन किया था, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कोने कोने तक फैलाई थी। तो सेमिनार को आप क्या कर सकते हो, डिसेमिनेशन से कोलरेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, कि सेमिनार के बारे में क्या किया, डिसेमिनेशन किया, यानी कि कोने कोने तक फैलाया। सेमिनार और डिसेमिनेशन, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। लास्ट है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न छूने योग्य, जो स्पर्श से जानना पड़े, तो जिसको आप टच नहीं कर पाते उसको हम इनटेंजिबल कहते हैं। इनपैल्पेबल भी अच्छा वर्ड है। ओके, एंटोनिम्स आसान है। एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन डाइज हिज इनटेंजिबल सोल एग्जिस्ट इज ह्यूमन फॉर्म, जब ए मैन डाई होता है तो उसका इंटेंजिबल, जिसको छू ना सके, सोल जो है वो एग्जिस्ट करता है किसी दूसरे ह्यूमन फॉर्म में। ट्रिक देखिए, जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल है। कितना सिंपल सा वर्ड है, मतलब क्या आप जीवन में कभी वापस भूलोगे क्या इस ट्रिक के बाद में, भाई जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया, समझ गए। अगर आपने किसी को ई, मतलब ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दे दिया, ओके इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दे दिया जो कि कोई टच ही नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, वो इंटेंजिबल हो गया। ओके, तो जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल है, यानी कि स्पर्श करने से जो जानना पड़े। तो इस तरीके से आप ये आज के 10 वर्ड याद कर सकते हैं। कल की बात करें तो हैगल का मतलब होता है बारगेन करना। आज का जो वर्ड है वो है इंपीरियल, इसका आपको सही सिनोनिम बताना है। मैथ्स अगर हमसे रिवाइज भी कर सकते हैं जो बच्चे लेट आए हैं। एनानिमिटी, तो अनॉय कर रहा है ये एनानिमिटी, अनानिमस लोग, यानी कि जिसका कोई नाम पता ना हो। अनरिक्वायर्ड, अनरिक्वेटेड, तो अनरिक्वेटेड हमने कैसे याद किया था, जो एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो अनरिक्वेटेड का मतलब एक तरफा। टर्मिनेट कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया। याक को योक किया यानी कि बांधना, कनेक्ट करना। टेबल पे रखकर अल्टर कर दिया, ठीक है, अल्टर पे सामान को, यानी कि जो रैक होती है ना उसके ऊपर लीजिए सामान रखते हैं उसको। सबको सब्सटैंशियली बेनिफिट हो रहा है, यानी कि काफ़ी हद तक बेनिफिट हो रहा है, किससे, वो कैब क्लासेस से। सिमेंटिक, इस मैन को बड़ी सिमेंटिक नॉलेज है, यानी कि लैंग्वेजेस की बड़ी नॉलेज है। इसके अलावा बात करें तो इनोक्यूस, इनको इन रखो क्योंकि ये इनोक्यूस है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाते। सेमिनार को लेकर आप लोगों ने डिसेमिनेशन किया, यानी कि फैलाया, और जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या है, इंटेंजिबल है। ओके, यानी कि जो इसको स्पर्श नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थे। बबीता जी ने और मिथिलेश जी ने दो अच्छी ट्रिक बनाई है फ्रिजिड की, मतलब होता है जो बहुत ही ठंडा होता है। फ्रिज को फूड फ्रिजिड है, फ्रिज का फूड कैसा होता है, फ्रिजिड होता है। तो देखिए फ्रिज से फ्रिजिड को याद करके कितनी आसानी से याद कर सकते हो। फोर्स के जवान सियाचिन बॉर्डर पर फ्रिजिड होते हैं, सही बात है। फोर्स के जो जवान है वो सियाचिन बॉर्डर पर कैसे होते हैं, फ्रिजिड होते हैं, यानी कि बहुत कोल्ड हो जाता है। टेम्परेचर इतना कम होने के बाद में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं वो। ओके, आज का जो वर्ड है वो है फाउंडिंग, इसकी आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है। पैराग्राफ फॉर्मेशन में देखिए, सौम गुप्ता जी ने, साक्षी सिंह ने दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है। सारे के सारे वोकैबुलरीज इन्होंने यूज करे हैं सिंगल दो तीन लाइन के अंदर। तो गाइज आप भी अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। और आज के लिए गाइज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत आगे पहुंचे।
साथ में अगर आपको जीके पढ़नी है वो पॉलिटी पढ़नी है तो आपके शाम में 6 बजे आके पॉलिटी पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं। वीडियो की क्लासेस लेनी है उत्तर प्रदेश की, तो अगर उत्तर प्रदेश की जीके जानी है तो दिन में 3 बजे की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर सीखनी है, सारे वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ चाहिए, तो आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड करके उसकी प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।